Hello everyone. This is Tanuja Gupta. Welcome to my channel Tanuja Bio Studies. In the neat Biology test series, now we are taking the next unit that is Unit Ten. Okay, that is about the ecosystem. Everything. Okay. Now in this unit, we are going to cover all topics, each and every important topic. So now let's start quickly. First of all, first question that is most animal are tree dwellers. ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो पेड़ों पे रहते हैं कौन से वाले फॉरेस्ट या किस में मिलेंगे दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है उसमें मिलेंगे नेक्स्ट आ जाते हैं निश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और टर्म यू कैन से क्या कहलाता है निश क्या बोलते हैं द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स नो ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट नो

टू स्केप दीट फॉर दूरेशन ऑफ हॉट समर हम चले जाते हैं ना जैसे ही समर होता है हम क्या चले जाते हैं जो ठंडे इलाके हैं वहां पर हम जाते हैं ताकि अपने आपका बॉडी का थोड़ा सा काम डाउन कर सके सॉरी माइग्रेटिव बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नदर्न रीजन मूव टू कहाँ पर आ जाते हैं दे आर जनरली कम्स टू केला दे नेशनल पार्क ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज विच कैन बी सस्टेन इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट क्या यही हो सकती है ना कि एक जगह में जितना ज़्यादा लोग वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं जितने ज़्यादा इंडिविजुअल हो सकते हैं एक स्पीशीज़ के उसको उस स्पीशीज़ की कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ठीक है देखो दूसरे नहीं हो सकते द मैगजिम नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग विच एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स फर्टाइल नहीं ये तो उसकी फर्टिलिटी के ऊपर आ गया ई माइग्रेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन नो द रेट एट विच न्यू इंडिविजुअल अराइव इन अ पॉपुलेशन नो ओके ये तो ई माइग्रेशन इम माइग्रेशन की बात हो रही है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर कर्व ए एंड बी दो कर्व दिए हैं दो ग्राफ दिए हैं इसके लिए हमें करेक्ट इक्वेशन देखनी है पहले तो आपको पता होना चाहिए दिस एक कर्व और ए ग्राफ इज व्हाट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जे शेप कर्व भी बोलते हैं एंड द बी इज नोन एज सिग्म ग्रोथ कर्व और एस शेप कर्व देखो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछी जाती है तो बाय हार्ट लर्न करके रखना इक्वेशन सो so, कौन सी आ जाएगी एक्सपोनेंशियल के लिए देखो यही वाली इक्वेशन फॉलो होती है एंड सिग्मोइड के लिए ये वाली सो ऑप्शन ए विल बी दी आंसर चलें आगे नेक्स्ट ले लेते हैं व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग दी लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल ज़ीरो देखो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे अब मैं ये बोल रहे हैं कि डी एन अपॉन डी टी जो है कब वो ज़ीरो हो सकता है ऐसी कौन सी कंडीशन हो कि उसमें ये ज़ीरो हो जाए ठीक है अब देखो ज़ीरो करने के लिए क्या अगर मैं देखिए यहाँ पर देखो अगर देखो ये एन अपॉन के ये एन अपॉन के अगर वन आ जाए क्या है अपॉन के क्या आ जाए वन आ जाए तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा वन माइनस वन हो जाएगा अपॉन के तो वन है ठीक है वन माइनस वन ज़ीरो और फिर आर एन को आर एन को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा अब एन अपॉन के को वन करने के लिए क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए वन एंड एन के इज़ एग्जैक्टली वन जब एन और के क्या है वो वन हो जाएंगे तो फिर ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें सोचना पड़ेगा आगे लेते हैं स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व अ दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस देन एक्सक्लूजन एंड दैट मकैनिज्म कैन बी आपने पढ़ा होगा जिसमें एक ही पेड़ पे बहुत सारी वार्बलर्स रह रहे हैं चिड़ियाएँ रह रही हैं बहुत आ, मतलब बर्ड्स में ही वैरायटी है वार्बलर्स तो वो एक साथ रह रहे हैं कोई भी किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है दैट पर्टिकुलर टर्म इज़ नोन एज दी रिसोर्स पार्ट जिसमें वो अलग अलग अपना टाइम बांध लेते हैं कि इस टाइम पर वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे सेकेंड टाइम पर कोई दूसरा यूटिलाइज़ करेगा सो इस तरह से वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब मिलकर रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स पार्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्टिन ऑर्गेनिज्मइंड ऑफ एसोसिएशन देखो इन लाइकेन यस एब्सोल्युटली ये लाइकेन क्या है म्यूचुअलिज्म देखते हैं अदर ऑप्शन करेक्ट है या नहीं शार्क एंड सकर फिश कौन सा रिलेशनशिप मिलेगा इसमें मिलेगा कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म नहीं मिलेगा सी, अमेंसलिज्म में क्या होता है एक स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचता है तो ने नेगेटिव साइंस शो करेंगे और एक दो स्पीशीज़ को कुछ फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होता बट यहाँ पे शार्क और शकर में ये जो शकर फिश है शकर फिश है जो इसको फ़ायदा हो रहा है ये क्या कर रही है फायदा ले रही है और शार्क को इससे कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है सो प्लस एंड जीरो इट कम्स अंडर कमेंसलिज्म ठीक है ऐसे ही ऑर्किड्स जो है दे आर ग्रोइंग ऑन ट्री ये भी क्या हो रहा है एक ऑर्किड को तो फायदा हो रहा है और ट्री को कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है तो ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है कस्क्यूटा जो है ये क्या है पैरासिटिक है उसमें भी एक्टो पैरासाइट्स है ठीक है आगे चले इफ प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव आएगा नेगेटिव साइन मतलब नुकसान में एंड जीरो साइन टू न्यूट्रल पॉपुलेशन इंटरैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस रेफर्स टू ठीक है सिर्फ में जिसमें सिर्फ प्लस ही हो और कुछ ना हो दैट इज पैरासिटिज्म, ठीक है इसमें इसको आ, फायदा हो रहा है प्लस हो रहा है ठीक है ओके okay. आगे चलते हैं नेक्स्ट इज वॉट थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है देखो प्लस एंड माइनस आएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट uh, है यहाँ पे वो पूछ रहा है द इंटरेक्शन रिप्रेजेंट बाय प्लस एंड माइनस ये वाले साइन वाला इंटरेक्शन कौन सा होगा तो ये क्या होगा हमारा पैरासिटिज्म ही होगा उसमें एक प्लस और एक माइनस होता है ठीक है आगे चलते हैं कस्क्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है दैट इज एक्टो पैरासिटिज्म अभी अभी बात करी थी हमने इसकी आगे लेके चलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए डी ईच विद वन और टू ब्लैंक देखो इसमें ब्लैंक फिल करना है तो देखते हैं बियर्स गो टू कहाँ जाते हैं बियर्स गो इन टू ये बिना उसके भी हम बता सकते हैं वन का हाइबरनेशन आएगा ड्यूरिंग विंटर टू वॉट टू प्रिवेंट इट्स हिमसेल्फ और एस्केप तो देखो फैला आ गया हाइबरनेशन देखो यहीं से आंसर मिल गया हमको देखो विंटर uh, में जो जाते हैं उनको हाइबरनेशन बोलते हैं फिर इसकेप हो गया उसके बाद एक्सपैंडिंग और हॉट स्पॉट एक्सपेंडिंग देखो इसमें अकोनिकल एज पिरामिड विद्रॉड बेस रिप्रेजेंट एक्सपैंड ह्यूमन पॉपुलेशन अवास पॉलिनेटिंग फ्लार एग्जाम्पल इसको स्कीप ही कर दिया इसको इन लोगों ने स्कीप ही कर दिया तो ऑप्शन ए आ जाएगा ठीक है न इकोसिस्टम मे बी डिफाइंड एज क्या बोलते हैं इकोसिस्टम का जहाँ पे सारी तरह की स्पीशीज़ मिलती है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है सो डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एनिमल एंड द फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट दिस इज द इको सिस्टम इसी को ही इको सिस्टम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम क्या होता है इसका प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ठीक है ओके आगे लेते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय क्या होता है ठीक है सेकेंड्री प्रोडक्टिविटी इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिटिक ऑर्गेनिक मैटर बाय दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि सबसे पहले सनलाइट को कौन फिक्स करता है दैट इज़ प्लांट प्लांट्स को कैप्चर करते हैं और फूड में कन्वर्ट करते हैं अब प्लांट्स को हर भी वॉस कंज्यूम करते हैं कार नी कंज्यूम करते हैं तो वो सब क्या हो गए कंज्यूमर हो गए और वो कंज्यूम करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी कंज्यूमर ऑप्शन डी कंज्यूमर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ये अब भी जस्ट हमने बात करी किसपे डिपेंड होते हैं प्लांट पे डिपेंड होते हैं और प्लांट पे भी किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट ठीक है देखो नीचे जो है ना अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या इस पर डिपेंड कर सकते हैं क्या ये ऑप्शन हम ले सकते हैं ले सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यस वी कैन टेक ओके तो ऑप्शन सी आएगा ठीक है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट दोनों पे डिपेंड करेगी बट मेनली पे होता है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट ओके आगे ले लेते हैं क्वेश्चन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है ये पूरा का पूरा ना पाँचों टर्म्स किसकी दी हुई है डू हैव एनी आइडिया किस चीज़ की दी हुई है डिकम्पोजिशन में दिया हुआ है ठीक है तो आपको पूरा सारा अच्छे से पढ़ना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना और वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना तो यानी कि मेरा आ जाएगा ऑप्शन थ्री ऑप्शन थ्री क्या आ जाएगा ऑप्शन थ्री तो ए का थ्री ए का थ्री देखो नीचे दोनों में ए का थ्री दी हुआ है बी का देखते हैं लीचिंग दैट इज़ वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रियन गो डाउन इन टू दॉयल हॉरिजन अंदर चले जाते हैं और अन अवेलेबल हो जाते हैं किसी को नहीं मिलते हैं अंदर जाकर नीचे ही सॉइल में अंदर ट्रैवल हो जाते हैं देखो बी बी फोर ही है अभी सी से डिसाइड होगा हमारा आंसर सी देख लेते हैं कैटाबॉलिज़म क्या होता है क्या होता है कैटाबॉलिज्म दैट इज ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म तो ये आ जाएगा बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल आंसर इज ऑप्शन डी देखो डी का टू हो जाएगा ह्यूमिफिकेशन अगर डी का हम देखेंगे ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा दैट इज फॉर्मेशन ऑन अक्लिमिनेशन ऑफ डार्क कलर एम सब्सटेंस इन दॉल दैट इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन इज वॉट रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय इन टू फ्रॉम ह्यूमस बाई सम माइक्रोब्स ठीक है ये एज इट इज एज इट इज लाइन इस आपकी एन सी आर टी में लिखी हुई है तो उसको जरूर से पढ़ लेना एन सी आर टी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है मोस्ट एनिमल डेट लिव इन डीप ओशनिक वाटर्स आर जो बहुत डीप में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दे आर कॉल्ड डे ट्राइवरस क्या बोलते हैं डे ट्राइवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज इन टू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन बेस्ट इन किस में सबसे अच्छे से ऐसे हाइट के अकॉर्डिंग हमने उनको लगा दिया तो कैसे अच्छे से हम दिख सकते हैं कौन सी जगह पर दैट इज वॉट ट्रॉपिकल सवाना कहाँ दिख सकते हैं वो ट्रॉपिकल सवानाज में बहुत अच्छे से वो अलग 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 लेयर में हमें मिल सकते हैं ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दैट इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या परसेंटेज होती है दैट इज 50 परसेंट ठीक है 50 परसेंट ओके नाउ पिरामिड ऑफ नंबर इज व्हाट हमेशा क्या अपराइट होते हैं मतलब नीचे बड़ा बेस होता है फिर स्मॉल बेस फिर स्मॉल बेस क्या हमेशा ऐसे रहते हैं या इन्वर्टेड भी हो सकते हैं दोनों ही तरह से हो सकते हैं सो इधर अपराइट और इन्वर्टेड ऑप्शन डी ऊपर अपराइट भी हो सकता है स्ट्रेट भी हो सकते हैं एंड इन्वर्टेड भी हो सकते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट आज ले लेते हैं देखो ये अपराइट पोजीशन है एक पैरामिड दिया है आपको पता करना है कि वो पिरामिड किसका है नंबर का है या बायोमास का है ठीक है तो देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम ठीक है पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम ट्री इकोसिस्टम क्या आएगा आपके हिसाब से देखो ट्री इकोसिस्टम अगर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा एक ट्री है क्या होगा एक ट्री है ठीक है तो छोटा सा एक ट्री हो गया नंबर एक ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं तो बर्ड्स नंबर के हिसाब से चलेंगे तो बर्ड्स ज़्यादा हो गए उन बर्ड्स को भी बहुत सारे वहाँ पे इंसेक्ट्स रहते हैं जो लीव्स को खाते हैं या बर्ड्स के आ या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो लीव्स को खा रहे हैं फिर बहुत सारे बर्ड्स आ गए उन इंसेक्ट को खा रहे हैं तो अब ये ग्राफ ये जो पिरामिड है ये तो इनवर्टेड हो गया उल्टा हो गया ठीक है बट अगर हम लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रास लैंड एको सिस्टम ग्रास लैंड तो नीचे नीचे ग्रास लैंड ग्रासेस बहुत सारी है फिर कुछ एनिमल्स उनको खा रहे हैं तो वो कुछ कम है फिर और कुछ बड़े एनिमल्स खा रहे हैं वो और कम है तो ये जो इको सिस्टम है इसका जो पिरामिड आ रहा है वो ऐसा ही आ रहा है बड़ा देन कम देन कम एंड देन एट लास्ट बहुत कम ठीक है तो इसलिए हमारा ये फॉलो हो रहा है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रास लैंड एको सिस्टम क्लियर है क्लियर है ठीक है चले आगे सो so नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो इज एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर एक इमेजिनरी पिरामिड आपको पकड़ा दिया व्हाट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी अबाउट सर्टेन ऑर्गेनिज्म एट सम ऑफ द डिफरेंट लेवल ठीक है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है देखो पहला लेते हैं लेवल अगर पी पी है उसको फाइटो प्लैंगटन समझाओ एंड वील ऑन टॉप लेवल और इसको सबसे टॉप लेवल पर पहुँचा दिया ठीक है तो क्या ये फॉलो कर रहा है नो no. अगर इसको फाइटो लिया होता तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए था ये सबसे बड़ा होना चाहिए था इसलिए फॉलो नहीं हो रहा है सेकेंड ले लेते हैं लेवल पी ठीक है लेवल पी दिस वन पी इज़ वॉट इंसेक्ट है एंड लेवल एस सी लेवल एस सी स्मॉल इंसेक्टिवॉरस बर्ड्स हैं ठीक है ठीके? ये क्या है ये बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो इंसेक्ट्स भी क्या कर रहे हैं छोटे छोटे किसी पार्टिकल्स जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर डिपेंड कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर हमारा थोड़ा हम ले सकते हैं उसके बाद इंसेक्ट्स आ गए फिर ऑब्वियसली बर्ड्स आएंगे तो थोड़े कम ही होंगे इंसेक्ट के इंसेक्ट तो ज़्यादा नंबर होते हैं एंड देन टॉप में और दूसरे बर्ड्स आएंगे सो ये लेवल जो बी है मतलब बी ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें मैच कर रहा है ठीक है अब देखो लेवल अगर पी पी हमने ले लिया पीपल ट्री एंड लेवल एस सी एस सी को हमने ले लिया शीप नो पीपल ट्री पे शीप का कैसे डिपेंड होगी नो नहीं हो सकती एंड लेवल पी सी को हमने ले लिया रेट सपोज ये वाला रैट ले लिया और एस सी को हमने क्या ले लिया कैट ले लिया नो दैट ऑल्सो केन नॉट बी पॉसिबल ओके ना फॉलोइंग राइट डिपिक्ट चेंज इन टू पॉपुलेशन ऑफ हर्बी व्रासी फील्ड अप पॉसिबल रीज़न फॉर दीज चेंजेस इज दैट देखो अभी चेंजेस क्या दिख रहा है कि अचानक से ये जो स्पीशीज़ है एक तो क्या कर रही है ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रही है और दूसरी भी स्टेशनरी ग्रोथ कर रही है देन ए स्पीशीज़ नीचे हो गई जब इन दोनों स्पीशीज का इंटरेक्शन हुआ तो बी आगे ग्रोथ करती चली गई ए और ड्रॉप हो गया ग्रोथ इसका मतलब कि ए जो है वो बी के कंपेरिजन में थोड़ी वीक है तो यानी कि क्या पॉपुलेशन बी इज़ कॉम्पिटेट मोर सक्सेसफुली फॉर फूड दैन कॉम पॉपुलेशन यस, yes, वो दोनों में क्या हुआ जैसे ही वो दोनों इंटरेक्ट हुए उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ फूड को लेके वेदर शेल्टर को लेके, अब इसमें से जो दप, जो फिट होगा वो तो आगे सर्वाइव कर जाएगा और जो फिट नहीं होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा या डाई कर जाएगा या एक्सटिंट हो जाएगी ठीक है नॉ ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन अभी देखते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है द चेंज लीड टू कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्लिब्रियम विद द एनवायरमेंट एंड इज कॉल्ड पायो कम्युनिटी नो 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 अगर जो बहुत हाई लेवल पे जाके इक्लिब्रियम के इक्वल हो गई उसने इक्लिब्रियम सेट कर दिया एन्वायरमेंट के साथ उसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं पायोनियर नहीं बोलते हैं तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है नाउ ग्रेजुअल प्रोडक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन आकर्स इन अ गिवन एरिया यस दिस इज़ करेक्ट ठीक है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज़ वेरी फास्ट नो वेरी फास्ट नहीं है बहुत टाइम में जाकर फिर एक स्टेबलाइज पॉपुलेशन आती है ठीक है इट टेक्स सो मैनी ईयर्स द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन्स कॉन्सिड दैट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल पॉसिबल तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है सो आर आंसर वुड बी ऑप्शन सी ठीक है नो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल हर लेवल पे जाने पे वो टॉक्सिकेंट क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है यानी मैग्नीफाई होता जा रहा है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन ठीक है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायो जियो केमिकल साइकिल गैसियस देखो कौन सी है जैसे ऑक्सीजन हो गई नाइट्रोजन हो गई ये तो गैसियस है बट कौन सी नहीं है जैसे कि फॉस्फोरस साइकिल फॉस्फोरस साइकिल कहाँ मिलती है अर्थ क्रस्ट में मिलती है सॉइल में होती है ये गैसेस नहीं होती है एटमोस्फेयर में नहीं होती है आगे ले लेते हैं देखो सेम इसी से क्वेश्चन आ गया अर्थ क्रस्ट इज द ऑफ ऑफ टाइप न्यूट्रिएंट किसका रिजर्वायर है? किसका है है फास्फोरस का जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ये फास्फोरस का रिजर्वायर है आगे ले लेते हैं मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अर्थवम अर्थवम क्या करता है इट इज अ डिट्राइवोरस क्या है ये डिट्राइवोरस है सक्सेशन यानी कि स्टार्ट होता है पायोनियर से शुरू होता है इकोसिस्टम सर्विस जैसे कि पोलिनेशन पॉलिनेशन हमारी सर्विस ही है प्लांट का, का पॉलीनेट कराते हैं उनकी चीज़ों को उनकी को उनके सीड दूर तक भी करने का काम करते हैं देन पॉपुलेशन ग्रोथ इज ये सब आ जाता तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ को उससे कनेक्ट करते तो देखते हैं ए का टू तो देखो यहां तो खैर हमें ए से ही आंसर मिल रहा है ए सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वो हमें आंसर डायरेक्ट मिल रहा है आगे चलें। देखो इकोलॉजिस्ट है उनको मैच कराना है एडवर्ड ये क्या किया इसने? इसने हमेशा याद रखना। दिया था प्लेन वाला हाइपोथेसिस ध्यान है कि अगर, अगर हम चुटी -चुटी करते जाएंगे, तो प्लेन क्या है क्रैश हो जाएगा तो इसलिए इकोसिस्टम भी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है ठीक है उसके बाद चलो अब मैं मान के चलती हूँ कि मुझे बाकी के ऑप्शन नहीं पता देखते हैं इससे हमें क्लियर हो रहा है या नहीं। ए का टू ए का टू ओके ए का टू तो देखो तीन जगह दिया हुआ है तो इससे तो नहीं डिसाइड हो रहा बी देख लेते हैं बी का थ्री बी का थ्री बी का थ्री बी का थ्री भी दिया हुआ है दो जगह तो अब मुझे सी से डिसाइड होगा कि मेरा आंसर क्या आएगा देखो सी में देखो यस ये थोड़ा रॉन्ग हो गया ए का भी टू दे दिया सी का भी टू दे दिया तो ये रॉन्ग हो गया तो ये वाला ही राइट आएगा सी का फोर हम बोल्ड ये रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एक्सप्लोर्ड एरिया रॉबर्ट मे का आ जाएगा एस्टिमेटेड ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी सो ए ऑप्शन ए हमारा आ जाएगा देखो मैंने ऐसा क्यों बोला तब आपको सॉल्व करना आए कई बार बैच द फॉलोइंग या कॉलम वाले में ना सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है आंसर नहीं आते हुए भी हम इस ऑप्शन को या हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं आगे ले लेते हैं क्वेश्चन द गिवन फिगर शोइंग स्पेशल एरिया रिलेशनशिप ऑफ स्पीशीज रिचनेस विच ऑप्शन करेक्ट फॉर ए एंड बी देखो याद है ये वाला स्पीशीज रिचनेस की जब बात करते हैं ए एंड बी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी ठीक है मैं जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आप फाइंड आउट करो ओके uh, okay? तो मैं बोलूँ इसका आंसर दैट इज ऑप्शन सी ए माइनस एस इज इक्वल टू सी ए जेड एंड बी लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए ठीक है ये इसकी इक्वेशंस है ओके आगे ले लेते हैं मैच करना है हमको देखो अगर मैं बात करूं तो मुझे ये तो अच्छे से पता है कि अरावली जो है ना वो राजस्थान में है अरावली हिल्स जो है वो राजस्थान में वेस्टर्न घाट रीजन ये भी आप बता सकते हो कि महाराष्ट्र कर्नाटका इसमें वेस्टर्न घाट मिलता है तो देखो इन दोनों से डिसाइड हो रहा है यानी बी का टू बी का टू देखो बी का टू ओके okay, अरावली अरा, नहीं नहीं सॉरी बी का फोर देखो एक ही ऑप्शन है बी का फोर एक ही ऑप्शन है तो देखो मुझे यहीं है डायरेक्ट आंसर मिल गया क्योंकि मैं उसके लिए श्योर हूँ ओके okay? तो फिर सी का क्या जाएगा थ्री तो बाकी के तो हम देख ही लेंगे खासी एंड जैंता जैनतिया हिल्स ये कहाँ मिलती है दैट इज़ इन मेघालय एंड uh, सरगुजा एंड चंदा एंड बास्तार एरियाज ये कहाँ मिलते हैं दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश ओके तो इस तरह से आपको कॉलम वाले सॉल्व करने द पर्पज़ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रेड लिस्ट रेड लिस्ट बनाने का पर्पज़ क्या है क्यों बनाई जाती है इट प्रोवाइड अवेयरनेस टू डिग्री ऑफ थ्रेड टू बायोडावर्सिटी यस हमें पता करना है कि कौन सी स्पीशीज कितने थ्रेड की तरफ है देन प्रिपेयरिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एंड हेल्प इन कंजर्वेशन एरिया ये अगर हमें पता चलेगा कोई स्पीशीज थ्रेटनिंग है लुप्त होने वाली है एक्सटेंट होने वाली है तो हम उसके लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं एन आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पीशीज एट हाई रिस्ट एक्सटेंट तीनों ही चीज़ यूजफुल है देन ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है आगे ले लेते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो कॉज नहीं है एक बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए इन बाय एलियन स्पीशीज़ ये लॉस होता है ठीक है इससे बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन अराइज होता है और पूरी पूरी स्पीशीज़ ही एक्सटिंक्ट हो जाती है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटा येस इट ऑल्सो टेक्स प्लेस कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क नहीं यहाँ तो हम कंजर्व कर रहे हैं यहाँ पे उसके एक्सटेंट होने का तो सवाल ही नहीं होता तो यही है जो कॉज नहीं है ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये भी कॉज है नेचुरल रिसोर्स नहीं बचेगा खाने पीने के लिए सामान नहीं बचेगा तो एनिमल्स भी कैसे सर्वाइव करेंगे पोलंग्रीन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर बहुत अच्छे से वेरी वेल नोन दैट इज माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड आगे ले, ले लेते हैं नाउ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ था इट वॉज इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन एटीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बींग ड्रिवन टू एक्सटिंट ठीक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है जिसकी वजह से सब स्पीशीज एक्सटिंट हो गए एलियन स्पीशीज इन्वेजन नो इसका आ जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इतना हैबिटेट उनका चला गया फॉरस्ट सारे कटते जा रहे हैं वहाँ पे हम अपने बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं तो हैबिट कम हो गया फ्रेगमेंटेशन कम हो गया इसी वजह से क्या हो गया वहाँ पे एनिमल सर्वाइव नहीं कर पा रहे नो वनरे वनरेबल स्पीशीज आर दोज स्पीशीज़ कौन से स्पीशीज़ को हम वनरेबल बोलते हैं ऐसे स्पीशीज जो बस अभी संभावित खतरे में है ना ऐसे बोलते हैं हिंदी में लाइक इट्स अबाउट टू डाई मतलब ऐसा नहीं है कि अब भी मर जाएगी तो राइट नाउ तो दे आर सफिशेंट बट हाँ यह है कि आगे जाके फ्यूचर में इसका डिप्लीशन हो सकता है ये कम हो सकती है सो प्रेजेंटली द पॉपुलेशन इज सफिशेंट बट इज़ अंडर गोइंग डिप्लिशन ऑप्शन ए ही आ जाएगा आगे लेते हैं ऐसे ड्रेन इज कॉज बाई इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ठीक है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डायरेक्ट आंसर आएगा एस ओ टू एंड एन ओ टू नेक्स्ट क्वेश्चन द लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट अ पर्सन कैन विद स्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट हाइएस्ट मैक्सिमम साउंड जो हम बिना डिसकम्फर्ट के सुन सकते हैं दैट इज एटी डी बी डेसीबल डेसीबल डी बी की फुल फॉर्म है डेसीबल नेक्स्ट क्वेश्चन मेजरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD होता क्या है किसी ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए अपने ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ओके okay. नाउ ये होती क्या है इट इज यूज फॉर वर्किंग आउट दी एफिशियर बी सी अबाउट देयर कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन नो इट मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ सेक्रोमाइसिस प्रोवाइडिंग एंड ऑन द कमर्शियल दमर्शियल नो 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 ऐसा कुछ भी नहीं होता है इट एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज मैटर ये यस सीवेज वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको बताएगा बी ओडी अगर ज्यादा बी ओडी होगा तो इट मीनस वहां पर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है और अगर कम बी ओडी है है, तो कम ऑर्गेनिक मैटर है ठीक है आगे ले लेते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कंडीशन क्या होती है जब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है किसी वाटर बॉडी में और बहुत ज्यादा वहां पे रिचनेस है बहुत ज्यादा न्यूट्रिय ज़्यादा अवेलेबल है तो ऑप्शन आ जाएगा थ्री ए का थ्री देखो डायरेक्ट हमारा तो आंसर इससे ही मिल रहा है फिर भी देख लेते हैं सेंट्री लैंडफिल क्या होते हैं जहाँ पे वेस्ट का डिस्पोजल होता है स्नो ब्लाइंडनेस स्नो ब्लाइंडनेस इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है लास्ट ईयर ही आया लास्ट ईयर लास्ट येर, लास्ट ईयर में आया है क्या होता है ये स्नो ब्लाइंडनेस दैट इज वॉट क्या बताओगे स्नो ब्लाइंडनेस इज यू वी बी रेडिएशन ठीक है ओके एंड जम कल्टिवेशन दैट इज डीफोरेस्टेशन, जम कल्टिवेशन दैट इज डीफोरेस्टेशन। सारे ऑप्शन देख लो ये चार क्वेश्चन भी प्रपेर हो गए हैं ठीक है ओके ना वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉलिटेंट टू ह्यूमन सेपियन क्या है दैट इज एस्ट्रॉन्शियम स्ट्रॉन्शियम नाइनटी ओके आगे ले लेते हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था इट वॉज कब आया था बता सकते हो थोड़ा सा आइडिया है क्या वाटर एक्ट कब आया एनवायरमेंट एक्ट मैं अगर ये बताऊं कि राइट नाउ आई डू रिमेंबर एनवायरमेंट एक्ट जो है वो 1986 में आया तो क्या मेरा आंसर इससे निकल के आ रहा है क्या देखो आ रहा है क्या डी का वन यहाँ पर मिल रहा है यस ऑप्शन बी करेक्ट है तो आ जाते हैं वापस एक बार देख लेते हैं देखो ए का फोर इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था 1968 में आया था याद रखना 1968 वाटर एक्ट कब आया था दैट इज़ 1974 सेवेंटी फोर and then air act in 1981 and environment act is 1986 okay? आगे लेते हैं क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ दीज़ फॉलोइंग मैथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना चाहिए बरी द वेस्ट अंडर एंटार्क्टिक आइस कवर नो बरी द वेस्ट विद इन रॉक डीप बिलो द अर्थ सर्फेस दैट यू कैन डू फॉर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल डम द वेस्ट विद इन रॉक अंडर डीप ओशन नो एंड शूट द वेस्ट इन टू स्पेस नहीं ये तो बहुत ही फनी आंसर हो गया ठीक है आगे ले लेते हैं मैच करना है हमको मोनिट्रियल प्रोटोकॉल कब गया था दैट वॉज इन 1987 आर्ट समिट वाज डन इन 1992 देखो इससे डिसाइड हो रहा है क्या ए का थ्री ए का थ्री तो दोनों हैं बट बी का फोर है तो हमारा ऑप्शन सी आ रहा है ओके हेल्थ सिंकिंग डलरेशन दैट इज नाइनटीन एंड क्योटो प्रोटोकॉल इज नाइनटीन याद रखना ये सारे ईयर्स इस पर भी क्वेश्चन पिक होते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू किस वजह से इंक्रीज हो रही है डिफोरेस्टेशन यस ऑफ कोर्स इंक्रीज यूर यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर यस इंक्रीज कंबेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम येस इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन नो ये नहीं बट ये तीन रीजन जो है ना ये डायरेक्टली डायरेक्टली क्या करते ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो आ जाएगा ऑप्शन सी स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री आर करेक्ट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है दैट इज़ यू वी रेडिएशन और आयोनाइजिंग कौन सी होती है एक्स रे गामा रेज बीटा रेज ये सब कौन सी होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन वर्ल्ड इज थर्टी फोर कितने होते हैं थर्टी फोर एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वॉट डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज क्या करेंगे अगर पेड़ कट जाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या डिक्रीज होगा जनरल मायने में बात करें तो रेनफॉल नहीं होगा रेनिंग कम हो जाएगी ठीक है तो ये सब डिक्रीज uh, हो जाएगा सो आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद दिस यूनिट आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स एंड इफ स्टिल एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स एंड कोई और गाइडेंस के रिलेटेड भी आपको कुछ पूछना है देन ऑल्सो यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स ओके सो थैंक यू सो मच गाइज टिल नाउ एंड स्टे मोटिवेटेड कीप डूइंग स्टडी एंड हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट बाई एवरी वन